उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण को मालामाल करेगा। इस एयरपोर्ट से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एक साल में 1.04 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें हर साल 5% वृद्धि की संभावना है। इसमें सरकार और जिले के तीनों विकास प्राधिकरणों को अंशधारिता के हिसाब से धन मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए सरकार ने कंपनी भी बनाई है। वहीं कंपनी के ग्लोबल टेंडर के जरिए विकासकृता कंपनी का चयन किया। अनुमान है कि एयरपोर्ट जेवर से पहले ही दिन 60 से ज्यादा फ्लाइटें उड़ान भरेंगी और 7 करोड़ यात्री हर साल सफर करेंगे। सर, 2024 में एयरपोर्ट शुरू हो जाने के बाद में कितना हमको रेवेन्यू प्राप्त होगा और कब से प्राधिकरण को मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, इसके लिए जो बिडिंग की गई थी तो उसका बिड पैरामीटर जो था वो रेवेन्यू शेयर नहीं था, बल्कि ये था पर पैसेंजर कितना पर पैक्स के आधार पर बिडिंग की गई थी। और जिसने सबसे ज़्यादा पर पैसेंजर पैसा देने का बिड किया था वो कंपनी ज्यूरिख थी, जिसको कि 4.97 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से बिडिंग पैरामीटर मानते हुए उनको ये कंसेशन अवार्ड किया गया था तथा उनको ये टेंडर अवार्ड हुआ था। बाकी जो तीन लोगों ने, उन्हें इससे कम जो पर पैसेंजर अपना ड्यूटी भरी थी, जिसकी वजह से उन लोगों को अलाटमेंट नहीं हो पाया। अभी जो 4.97 रुपये पर पैसेंजर है, इसको अगर हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो जो प्रोजेक्शन है, जो PwC ने अपना प्रोजेक्शन बनाया है, तो COD के 6 साल बाद, यानी जब ये कमीशन हो जाएगा 29 नवंबर 2024 को, उसके छः साल बाद जो है ये पैसा मिलना शुरू होगा और 1,04,000 करोड़ ये पैसा मिलेगा 6 साल COD के बाद, जो कि सालाना मिलेगा। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह सभी के जो अपने अपने अंशधारक हैं, इसके 4 अंशधारक हैं, ये जो कंपनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी चारों अंशधारक हैं, उनमें जो है उनके अंश के अनुपात से बांटा जाएगा। ये प्रोजेक्शन जो है वो ट्रैफिक, जो एक्सपेक्टेड ट्रैफिक है कि 5 मिलियन कब अचीव होगा, 12 मिलियन कब होगा, 20 मिलियन कब होगा और 30 मिलियन कब होगा, इस पर आधारित है। हो सकता है कि और ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए, क्योंकि ट्रैफिक में जो डोमेस्टिक जो ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक है, उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है और जो एक्सपेक्टेड लाइन से कहीं ज़्यादा लोग जो है डोमेस्टिक यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो और फैक्टर्स होते हैं, वो भी इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। ज़्यादा कनेक्टिविटी हो गई, कैचमेंट एरिया बढ़ गया तो ज़्यादा पैसा आएगा, कनेक्टिविटी कम रह गई तो उसी हिसाब से कम पैसेंजर आएंगे तो कम पैसा आएगा। तो ये सारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एस्पेक्ट्स हैं, ये प्लस जो ट्रैफिक प्रोजेक्शन है, इस दोनों के आधार पे 1,04,000 करोड़ रुपया COD के 6ठे साल से इस एयरपोर्ट को प्राप्त होगा, जिसमें कि हर साल वृद्धि भी हम लोगों ने अपने कंसेशन एग्रीमेंट में रखी है कि वो हर साल 5% उसमें वृद्धि होती रहेगी। सर, जो 4 अंशधारक हैं उनको कितने प्रतिशत उनके बंटवारा किया जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार को 37.5%, नोएडा अथॉरिटी को 37.5%, ग्रेटर नोएडा को 12.5% और यमुना अथॉरिटी को 12.5% के अनुपात में मिलेगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।